हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैक्स का कीड़ा। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। उसका मैंने एक और वीडियो अपलोड किया, आप जाके वो देख लेना। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, क्योंकि इधर पर फिर वो वीडियो देखते होगा कंटिन्यूस वीडियो, क्योंकि तो अच्छे से समझेगा। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन दिया, मिस्टर सरस्वती वॉज पेड ₹80,000 एज कमीशन ऑन द सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट रेट ऑफ 12.5%। अब इधर पे कंप्यूटर बेचा जा रहा है, ठीक है। तो मिस्टर सरस्वती को कितना रुपया मिला? ये मिस्टर सरस्वती कौन है? बोलते हैं ना, एजेंट है, कमीशन एजेंट है। उसे कितना रुपया मिला? ₹88,000 मिली। किस रेट पर? 12.5% के रेट पर उसे 88,000 उसने कमाया। ये कौन है? एजेंट है। ध्यान से सुन लो, सरस्वती क्या है? एजेंट है, कमीशन एजेंट है। वो उसने कंप्यूटर की, कंप्यूटर का सेल करवाया, कंप्यूटर को बिकवाया, तो वो कुछ कमीशन लेगा। और वो कमीशन कितना मिला उसे? 88,000। किस रेट पर मिला? 12.5 रेट पर मिला। नेक्स्ट, इज द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000। एक कंप्यूटर का प्राइस ₹32,000 था, ठीक है। तो पता लगाना कितने कंप्यूटर्स बिके, कितने कंप्यूटर सरस्वती ने बिकवाए, ठीक है। अब सुनो, मुझे क्या करना है इधर? पहले तो टोटल सेल्स फाइंड करना है। टोटल सेल्स मतलब ये पूरा ट्रांजैक्शन कितना हुआ इसमें, ये कंप्यूटर बेचे इतना तो सरस्वती को मिला, ये एक कंप्यूटर का रेट था, लेकिन पूरा कितने कंप्यूटर्स बेचे वो निकालना है। तो पूरे कंप्यूटर बेचने में कितना सेल्स हुआ, टोटल सेल्स निकाल लूंगा तो मुझे कितने कंप्यूटर बिके मिल जाएगा। अब सोच रहे हो कैसे मिलेगा? वो मिल जाएगा कैसे, मैं बताता हूँ उस टाइम पे कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा काम है टोटल सेल्स निकाल लेना। टोटल सेल्स नहीं है हमारे पास, तो मैं मान लूंगा लेट टोटल सेल्स बी एक्स रुपीज क्या है? टोटल सेल्स है, ठीक है। अब सुनो, मैं हमें इधर पे क्या दिया हुआ है, इधर पे क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट। ये कमीशन मिल रहा है ना एजेंट को, तो ये हमारा क्या हुआ? अमाउंट ऑफ कमीशन एजेंट, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो लिख लेना, कितना है? 88,000 रुपीज है, ओके। रेट ऑफ कमीशन कितना है? रेट ऑफ कमीशन है 12.5%, राइट, ठीक है। मैंने क्या कहा, हमें टोटल सेल्स हम निकाल लेंगे, तो मैं ये कितने कंप्यूटर्स बिके वो भी निकाल लूंगा। तो टोटल सेल्स निकाल लेते। मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक फॉर्मूला लिखा के दिया था, अमाउंट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। आप लोगों को याद होगा या नहीं याद होगा, या फिर वीडियो देखा होगा तो याद होगा, नहीं देखा होगा तो नहीं पता होगा। तो वापस से बोल देता, अमाउंट ऑफ कमीशन का फॉर्मूला था टोटल सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। अगर वो वीडियो एक बार जाके देख लेना, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो बेसिक से हम लोग ने स्टार्ट किया उधर पे। तो अमाउंट ऑफ कमीशन कितना है? 88,000। तो मैं पुट करता हूँ 88,000। टोटल सेल्स हमें नहीं पता, इसलिए मैंने क्या माना है? टोटल सेल्स एक्स हुआ है, ठीक है। इनटू रेट ऑफ कमीशन कितना है? 12.5%। तो 12.5% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 12.5/100, राइट। हमें एक्स फाइंड करना है, तो एक्स को अकेला कर देंगे, इस टर्म को इक्वल टू के इस तरफ ला देंगे, तो क्या हो जाएगा? सुनो, ये डिवाइड में है, डिनोमेटर में है, तो इक्वल टू के इस तरफ आके न्यूमेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमेटर में चले जाएगा, ओके। ये मिला इक्वल टू एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आगे मैं क्या करूँगा, सुनो, इधर पे डेसिमल में रहता ना, तो हमेशा हम लोग को डेसिमल का कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता है करना, तो मैं डेसिमल को भगा दूंगा। कैसे भगाऊंगा डेसिमल को? मैं डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल है ना, इसलिए 10 मल्टीप्लाई किया। अगर दो डिजिट के बाद डेसिमल रहता, मतलब ऐसा कुछ होता 1.25, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। तीन डिजिट के बाद डेसिमल रहता तो 1000 से करता, समझ में आ रहा है? तो इधर पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर आप डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो तुमको न्यूमरेटर में भी 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, बोलेगा भाई नीचे 10 दिया तूने, ऊपर नहीं दिया यार, ऐसा भेदभाव क्यों? तो फिर ऊपर भी तुम लोगों को 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? अब नीचे 10 मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल भाग जाएगा, तो क्या बन जाएगा नीचे? 125, राइट। और ऊपर क्या बन जाएगा? 88,000 इंटू 100 इंटू 10, 1000 इक्वल्स टू एक्स।
ओके नाउ अब 125 8s 1000 होता है, 125 8s 1000 होता है, तो एक्स हमें क्या मिलता है 88,000 मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो फटक से। ओके तो इसका कैलकुलेशन करके क्या मिला हमें, 7,04,000 रुपीज मिली। कितने का टोटल सेल्स हुआ, 7,04,000 का। मैंने कहा अगर मैं टोटल सेल्स निकाल लेता हूं तो कितने कंप्यूटर बिके वो भी निकाल लूंगा। कैसे निकाल लूंगा, तो इधर पे लिखूंगा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड, कितने कंप्यूटर बिके वो कि कैसे मिलेगा, टोटल सेल्स अपॉन एक कंप्यूटर का जो प्राइस रहेगा, प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर। क्या करेंगे हम लोग, टोटल सेल्स अपॉन प्राइस ऑफ वन कंप्यूटर डिवाइड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1 2 3, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड करोगे, इसका आंसर मिल जाएगा, तो 3030 कैंसिल कर दो, क्या बचता है 704/32, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, 704/32 कर दोगे तो ये आंसर मिल जाएगा। ओके तो इसका आंसर क्या मिलता है हमें, 22। इसका मतलब टोटल कितने कंप्यूटर का सेल हुआ, 22। समझ में है ना, मैं जो कह रहा था टोटल सेल्स निकाल लेते तो कितने कंप्यूटर बिके वो मिल जाएगा, तो मैंने टोटल सेल्स निकाल लिया और कितने कंप्यूटर बिके वो भी निकल गया, ठीक है। तो इधर पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज्ड टू द रेट ऑफ कमीशन इंक्रीज फ्रॉम 4-5%। ब्रोकर क्या करवा रहा है, दो बिजनेसेस करवा रहा है, दो अलग अलग डील्स करवा रहा है, ठीक है। अब पहले डील में 4% रेट ऑफ कमीशन ले रहा है, दूसरे डील में रेट ऑफ कमीशन 5% ले रहा है, बट फिर भी रेट ऑफ कमीशन बढ़ने के बाद भी उसका इनकम सेम ही है, मतलब जो उसको इनकम पहले वाले बिजनेस से आया, पहले वाले डील से आया, उतना इनकम उसको दूसरे वाले डील से भी आया जिसमें उसने ज्यादा रेट ऑफ कमीशन लिया हुआ है, फिर भी उसको दूसरे वाले डील से उतना इनकम आया जितना पहले वाले से आया। मतलब कहीं ना कहीं दूसरे वाला जो डील था उसमें थोड़ा सा कम था, वो कम पैसे का डील था, इसलिए ज्यादा रेट ऑफ कमीशन होने के बाद भी उसे कम रुपया मिला, इनकम मिला। तो वही पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ बिजनेस, तो वैल्यू जो बिजनेस था मतलब डील था उसमें कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ उसको। इन शॉर्ट इधर दो बिजनेस है, मैं दोनों बिजनेस से इनकम निकाल लेता हूँ पहली चीज, तो पहला बिजनेस कितने रुपए का हुआ हमें वो निकालना पड़ेगा। पहला बिजनेस, तो लेट इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, पहला बिजनेस उसका लेट हुआ 100 रुपीज का, मैंने अज्यूम किया 100 रुपीज। अब 100 रुपीज ही क्यों किया, क्योंकि 100 रुपीज से सॉल्व करना इजी होता है, ये रेट निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, पहला वाला वैल्यू बिजनेस, पहले वाले बिजनेस का वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था, मतलब 100 रुपीज का डील हो रहा था, तो उसमें रेट ऑफ कमीशन कितना लिया उसने, 4%। रेट ऑफ कमीशन लिया उसने 4%। तो उसको इनकम कितना मिलेगा, तो इनकम कितना हुआ एजेंट का इनकम कितना होगा, 4%, 100 रुपीज में से लिया ना, तो 4% मीन्स 4/100 इंटू 100 रुपीज में से 4% को 4/100, और किसका 4% ले रहा है, इसमें से 4% ले रहा है, इसलिए इंटू 100 कैंसिल, क्या मिला 4, मतलब 4 रुपीज पहले वाले बिजनेस से उसको कितना इनकम हुआ, 4 रुपीज हुआ, ठीक है। अब दूसरे वाले बिजनेस से कितना इनकम हो वो देख लेते हैं। तो लेट वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस नए वाले बिजनेस का, या फिर तुम लोग फर्स्ट बिजनेस या सेकंड बिजनेस भी दे सकते हो इधर पे। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का वैल्यू कितना है, उसे भी 100 नहीं मानेंगे, क्योंकि एक को तो 100 मान लिया, तो दूसरे को 100 नहीं मानोगे, दूसरे को 50 या 1000 भी नहीं मानोगे, दूसरे को एक्स मान लोगे, ठीक है। अब रेट ऑफ कमीशन, दूसरे वाले पे रेट ऑफ कमीशन क्या था उसका, कितना था 5%, दूसरे वाले पे रेट ऑफ कमीशन था 5%, तो इनकम दूसरे बिजनेस से उसको इनकम कितना हो जाएगा, 5% मीन्स 5/100 इंटू एक्स, एक्स में से 5% लेगा ना वो, तो ये क्या मिलेगा हमें, 5x/100। तो इसे कैंसिल आउट करोगे, थोड़ा सा कैंसिल होगा, 5 1 5 5 20 100 मीन्स x/20। दूसरे वाले बिजनेस से इनकम कितना मिला उसे, x/20। अब इधर पे एक चीज बोल रहा है कि ब्रोकर इनकम ऑफ ब्रोकर रिमेन अनचेंज,
मतलब पहले वाला इनकम, पहले वाले बिजनेस से इनकम और दूसरे वाले बिजनेस से इनकम सेम था, अनचेंज मतलब सेम था। तो मैं इसको 4 इक्वल्स टू ये पहले वाले बिजनेस का इनकम और दूसरे वाले बिजनेस के इनकम को मैं इक्वल बोल सकता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्रोकर का इनकम दोनों बिजनेस से अनचेंज था, अनचेंज था मतलब इक्वल था। तो मैं लिख सकता हूँ 4 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 20, एक्स अपॉन 20, ठीक है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 4, हमें x निकालना है, दूसरे वाले बिजनेस की वैल्यू निकालनी है। तो x मिल जाएगा 20, डिवाइड में इक्वल्स टू किस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इंटू 4 होता है 80, मतलब दूसरे वाले बिजनेस कितने रुपीज का था, 80 रुपीज का था। पहला वाला बिजनेस 100 रुपीज का था, दूसरा वाला बिजनेस 80 रुपीज का था। तो कितना रिडक्शन हुआ, 20% का रिडक्शन हुआ ना। तो लिखेंगे परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%। इधर वही निकालना था ना कि कितने परसेंट का उसका बिजनेस रिड्यूस हुआ, परसेंटेज रिडक्शन इन द बिजनेस। तो पहले वाला बिजनेस 100 का माना, दूसरे वाले बिजनेस x माना, मतलब दूसरा वाला बिजनेस कितना रुपए का हुआ, 80 रुपीज का हुआ। तो पहले वाले में और दूसरे वाले में कमी हुई ना, रिड्यूस हुआ दूसरा वाला बिजनेस। तो कितना परसेंट रिड्यूस हुआ, 20% रिड्यूस हुआ। तो वही मैंने लिखा, परसेंटेज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 20%। तो इधर पे जो था 6th क्वेश्चन भी होता है सॉल्व।